आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, गिवन क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, हमें क्या करना है, ये जो वर्ड है ना हमारे पास एगॉग, इसका एंटोनिम चूज करना है, राइट? तो देख लेते हैं कि एगॉग का मीनिंग क्या होता है पहले, फिर ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। एगॉग का मीनिंग होता है ईगर होना, एक्साइटेड होना। ओके, एक्साइटेड होना, और कह सकते हैं ईगर होना, इम्पेशेंट होना, किसी चीज के लिए क्यूरियस होना। ओके, अब नेक्स्ट हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं एक करके। ऑप्शन ए है ईगर, ईगर का मतलब होता है किसी चीज के लिए इम्पेशेंट होना। ओके, इम्पेशेंस होना, इम्पेशेंट। अब ऑप्शन बी है एविड, तो एविड का मीनिंग क्या होता है, एविड का मतलब यही होना, किसी चीज के लिए ईगर होना, इसका मतलब भी यही होता है। ऑप्शन सी है इनक्यूरियस, इनक्यूरियस का मतलब होता है लैकिंग क्यूरियोसिटी। ओके, लैकिंग मतलब किसी चीज के लिए ईगर ना होना, लैकिंग ईगरनेस कह सकते हैं, लैकिंग ईगरनेस, राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है एंजियस, एंजियस का मतलब भी यही होता है किसी चीज के लिए ईगर होना, इम्पेशेंट होना, राइट। अब देखो क्वेश्चन ने पूछा है एगॉग का एंटोनिम, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, इनक्यूरियस, बिकॉज बाकी जो सारे ऑप्शन है उसके सिनोनिम है, मतलब सबका मीनिंग है कि ईगर होना, बट इनक्यूरियस का मीनिंग है लैकिंग ईगरनेस। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।